हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी की रिप्रेजेंटेटिव मैडम रहमीन जैदी साहबा, आयन से आपकी बात करवाते हैं। सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, यहाँ पे डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी की तरफ से जो कैंप लगाया गया है, यहाँ पे कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं, कुछ बताएंगी आप? जी बिल्कुल, इस फ्री मेडिकल कैंप में हम फ्री शुगर टेस्टिंग कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल और हीमोग्लोबिन। ये जो टेस्ट की सर्विसेज हैं, ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी जो है वो क्या ऐसे फ्री कैंप्स लगाती रहती है या ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। माजी में कई बार जो है वो डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी ने कैंप्स लगाए हैं और हम करते रहते हैं, लेकिन एक सिंस स्काउट्स के साथ भी हमारा थर्ड या फोर्थ एक्सपीरियंस है कि हमने यहाँ पे लगाया कैंप पूरी में, कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि असल बात ये होती है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इन बीमारियों के शिकार हैं या वो शुगर को बीमारी समझते ही नहीं है, तो लिहाजा ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इन प्रॉपर डाइट की वजह से भी हो सकता है, आपकी शुगर इंटेक ज़्यादा हो तो आपकी हाई भी हो सकती है, या कम हो तो लो भी हो सकती है, और दोनों ही सूरतें जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं आपके लिए। और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का भी यही है कि आप इस तरह की इंटेक्स लेते हैं और इससे सबसे ज़्यादा जो मेन मसला होता है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए तो आपको हार्ट डिजीजेज हो सकते हैं, जो कि अगेन आपकी डेथ का कॉज बन सकता है। मैडम, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि क्या ये जो कोलेस्ट्रॉल और शुगर या हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, ये क्या सिर्फ डाइट की वजह से होती है या इसके कोई और फैक्टर्स जैसे कि पोल्यूशन या आपकी नींद पूरी ना लेना, इस टाइप के भी फैक्टर्स हो सकते हैं? लेकिन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी के होते हैं कि आपकी इन प्रॉपर डाइट की वजह से होते हैं। और कई इसके होते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज ना हो तो भी हो सकता है कि आप डाइट ले रहे हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो उसमें अक्सर होता है कि आप इंटेक ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करें, तो वो चीज़ आपकी स्टेबल रहती है। यहाँ पर जब आप टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद क्या मेडिकेशन के लिए आपने कोई बंदोबस्त किया है कि कोई रिकमेंडेशंस वगैरह होंगी या कोई डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन देगा उनको, या सिर्फ आप टेस्ट रिपोर्ट दे के और फिर रेफ़र कर देते हैं उसको पेशेंट को? नहीं, देखें दोनों सूरतें मुमकिन है। अगर यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये चाहते हैं कि हम आगे इनको फर्दर फैसिलिटेट करें, तो बिल्कुल हमारे पास ये सर्विसेज मौजूद हैं, हम डॉक्टर को भेज सकते हैं जिनके थ्रू ये अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको शेयर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर ईसा लैब की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का जो है इनेकाद किया गया, जहाँ फरहान ईसा जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमें एक्टिव नज़र आते हैं, उसके साथ साथ इस दफ़ा उन्होंने स्काउट्स के साथ भी जो है यकजहती का मुजाहरा किया है और यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का जो है वो इनेकाद किया है। इसके साथ ही अपने होस्ट फारूक बिलाल को इजाज़त दें, देखते रहें स्काउट न्यूज़ एंड व्यूज़। अल्लाह हाफिज़।